दिन भेलाओं में हुई हत्या को लेकर आक्रोशित परिजनों ने मृतक का शव लोहगरा हाईवे पर रखकर किया चक्का जाम। परिजन कर रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस पर लापरवाही का लगा रहे आरोप। आक्रोशित परिजनों को समझाने बुझाने में जुटे SDM 12 व पुलिस अधिकारी मौके पर, कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद। पूरी तरह से बाधित रहा प्रयागराज बाधा राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रयागराज जनपद के यमुनानगर के 12 थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलाओ गांव में शुक्रवार की सुबह खेत की जुताई करने गए पिता पुत्र पर गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर बरसाई थी गोलियां। गोली लगने से मनीष मिश्रा 27 वर्ष पुत्र संतोष मिश्रा गंभीर रूप से हुआ था घायल। आनन फानन में ले जाया गया अस्पताल, लेकिन रास्ते में ही थम गई थी उसकी सांसें। फिलहाल पुलिस ने एक हत्यारोपी को किया गिरफ्तार और DCP यमुनानगर, SDM 12, ACP 12 के मान मनोबल पर खुलवाया गया चक्का जाम। अधिकारियों ने ली राहत की सांस। देखने वाली बात यह है कि बाकी जो बच्चे अपराधी हैं उन पर 12 पुलिस कब तक करती है कार्रवाई और कब तक मैं भेज रही है जेल। भैया 20 बार मैं थाने में इस्तरा दिया हूँ, शंकरगढ़ 12 में 20 बार मुझको भी एक दर की बट से मारा गया। बोल रहे मैं अपने हिसाब से फाइया लिखाऊंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं। शंकरगढ़ यशो साहब डायरेक्ट मुझको मारा गया, मैं तो मेडिकल बनवा के लाई, पुलिस भेजे, उसका नहीं मान हुआ, हमको कागज तक नहीं मिला। मैं यहाँ 12 थाने में कम से कम 10 बार अप्लीकेशन दिया, उसका प्रमाण मिला है, कोई पकड़ नहीं, कोई झूठ नहीं, पैसा लेते हैं बस पैसा।